अलीगढ़ में लव जिहाद की घटनाएं की रोकने का नाम नहीं ले रही। देखिए ताजा मामले की बात करें, इगलास क्षेत्र का पूरा मामला और तमाम करणी सेना के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र मिसाई के साथ में गुड़िया आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगी। आरोप ये है कि इनको हिंदू बनकर बसाया गया, धर्मांतरण कराने का भी प्रयास किया। बातचीत करने के लिए हमारे पास ज्ञान जी, ज्ञान जी किस मामले की शिकायत लेके आप SSP ऑफिस आए थे और पूरा मामला ये है क्या? देखिए ये इगलास क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता है, इसको एक सलमान नाम का लड़का और मिला था, तिलक लगाता था, कलावा बांधता था। उसने अपना नाम इनको हिंदू बताया, समीर नाम बताया, और समीर नाम बता के इनसे मिला, नंबरों का आदान प्रदान हुआ। चूंकि उस इनके बराबर में उसकी दुकान थी तो आस पड़ोस के होने के नाते नंबरों का आदान प्रदान भी हो गया। फिर इनकी व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी, उसको उस लड़के ने इसको हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। ये लड़की बहक गई, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको डरा कर धमका कर तेरे घर वालों को मार दूंगा, तुम्हारा केवल दो परिवार है पूरे गांव में, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा, इस तरीके से इसको डराना धमकाना, इसको अपने साथ वो भगा कर ले गया। लगभग 6 दिन 7 दिन उसने इसको दिल्ली में रखा, वहीं इसने आर्य समाज मंदिर में फर्जी विवाह किया हिंदू बनकर, लेकिन उसमें नाम उसने अपना सलमान लिखवा दिया। जब उस बच्ची ने वो सर्टिफिकेट देखा तब इसको पता लगा कि ये तो मुस्लिम है। इसने विरोध जताना शुरू किया तो वो उसको खाने में नशे का कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह में या पानी में नशे का कुछ देता था, नशे का देकर ये अर्धमूर्छित अवस्था में हो जाती थी। इसके साथ इसका यौन शोषण भी किया, उसने संबंध बनाए, वीडियो बना ली, फोटोग्राफ ले लिए। अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं वायरल कर दूंगा, मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा और मेरे पक्ष में बयान देना, ये करना वो करना, इस तरीके से इसको डरा रहा धमका रहा था। हमारे पास ये सूचना आई, पीड़ित पक्ष हमसे मिला, हमने यहाँ SPRA साहब से मुलाकात की है और कार्रवाई की हमने मांग की है। तो हमें SPRA साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मंत्र का भी दबाव बनाता था जी, बिल्कुल। इससे ये कहा था कि अब मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, अब तुझे निकाह करना पड़ेगा मुस्लिम बनकर, मुस्लिम बनेगी तू नमाज भी पढ़ेगी मेरे साथ, तू नॉनवेज भी खाएगी मेरे साथ और तुझे मुस्लिमों वाले सारे काम करने पड़ेंगे, ऐसा इसके ऊपर वो दबाव बनाता था। तो मुकदमा दर्ज हुआ है कोई? मुकदमे के लिए अब हमने कहा है SP साहब से, SP साहब ने अभी जो है बात की है वहाँ SCO साहब से और उनसे, और कार्रवाई के लिए हमें कह दिया कि हम शीघ्र अतिशीघ्र 2-3 दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। केस कैसे आप इतने कैसे फंसे, क्या मामला था, लड़का कहाँ रहता था, कब से आप जानते थे, क्या था पूरा मामला? अरे वो हमारी दुकान थी, उसके बराबर में उसके मामा की कमरुद्दीन खान उनकी दुकान थी, उसके मामा के लड़का है जो उसकी दुकान पे वो काम करता था वहीं पड़ोस में, तो पड़ोसी के नाते उसने मेरा नंबर ले लिया, मैं नंबर उसके पास पहुंच गया, फिर वो मेरे से बात करने लगा। तो उसने मुझे ये नहीं बताया था कि मुस्लिम है, और उसने अपना नाम समीर बताया था, सलमान मुझे नहीं बताया था कि मेरा नाम समीर है। तो हमारी ऐसी बात हुई, बात होते होते बात करता था मेरे से, तो एक दिन वो मेरे से बोला कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे एक बात बताऊंगा। मैं, क्या बात है, मुझे बता दे फोन पर। कि नहीं तू पास आया जब बताऊंगा मैं कि बता तो सही क्या बात है, मैं नहीं आ रही। तो वो बोला आती है तेरे घर वालों को मारूं, क्योंकि सर हमारे गांव में 2 घर हैं हमारे, बोल रहा था तेरे तो 2 घर हैं और मेरे तो इतने सारे हैं सर, क्योंकि हमारे 2 ही घर हैं गाँव में और सब मोमडन है सर, तो इसलिए मैं डर गई। फिर मैं सर पहुंच गई उसके पास, मैं बता क्या बात है कि तू मेरे साथ गाड़ी में बैठती है या फिर मैं तेरे घर वालों को मार के आऊँ तुझे भी मारूँ। सर 2 जने थे, राजुद्दीन और सलमान सर दोनों थे, तो सर मुझे ले गए, वो दिल्ली ले गए मुझे, दिल्ली ले आने वक्त में मुझे होटलों में रखा। फिर उसने मेरे से आर्य समाज में शादी करी, फिर आर्य समाज में उसने मेरे साथ शादी कर ली। फिर मुझे पता चला सर्टिफिकेट को देखे कि अरे ये तो मुस्लिम है, इसका नाम सलमान है। तो मैंने पूछा तू मुस्लिम है, तो बोला कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। कि तुझे पता चल गया? मैं कि हाँ सर मुझे पता चल गया मुस्लिम है। तो बोला था अब तुझे मुस्लिम बनना पड़ेगा, मेरे पे दबाव डालता था कि अब तू मुस्लिम बनेगी और निकाह करेगी मेरे साथ, तू निकाह करेगी और सारे मुस्लिम वाले काम करेगी। तो सर मेरे साथ दबाव डाला, मुझे पता चल गया सर ये मुस्लिम है। तो फिर कॉल करी थी सर, तो मैं 25 तारीख को शाम को रात को थाने में आ गई सर, मुझे थाने में लाया गया। तो मैं धमकी देता था कि तेरे घर वालों को मार दूंगा और तुझे मार दूंगा मैं, तो सर ऐसे धमकी देता था। मेरी उसने वीडियो बना ली सर, मुझे नशे की हालत में उसमें कोल्ड ड्रिंक में नशा करके मुझे मेरी वीडियो बना ली सर उसने। फिर बोलता था कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा मैं डर गई सर।
तो सर हमने बोला था यहाँ थाने में बात हो गई, हमने कोर्ट में बयान दिए, तो बोला था मेरे ही मतलब मेरे ही पक्ष में बयान दियो सर, मैंने दे दिए क्योंकि उसने धमकी दी थी मुझे तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे बयान दे चुके हैं कोर्ट। हाँ सर कि तेरे घर वालों को मार दूंगा तुझे भी मार दूंगा सर, तो सर मैं डर गई मैंने दे दिया। पर सर वो मुझे आज भी तंग करता है, मेरी वीडियो को बोलता है कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा सर, कॉल भी करता है, आज भी तंग करता है मुझे। तो सर जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बहनों के साथ नहीं होना चाहिए, तो मैं यही चाहती हूँ। क्या मांग? मैं यही चाहती हूँ सर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप कितने कितने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ? मतलब आपको गुमराह किया उसने, नाम समीर बताया। यस सर। कितने दिन रहे आप उसके साथ में? सर 19 तारीख को गए थे हम और 25 तारीख को रात को आई थी सर मैं थाने में। तो क्या छूट के आए चंगुल से कैसे? हाँ सर मैंने कॉल करी थी सर, जब फिर उनके वो उनका मामा मुझे लेके आया सर थाने में, मुझे छोड़ा कि मेरा लड़का नहीं ले गया, थाने में मुझे छोड़ दिया। तो थाने में मेरे पापा आए थे, मुझे मेरे पापा को पता चला दूसरे दिन सुबह जब मैं थाने में थी, पता चला मेरे पापा आए कि मेरी मतलब आती है सर वो तो कि बेटी मिली है मेरी। तो सर वो आए थे, कार्रवाई हुई सर, मैंने पापा मम्मी को जब कुछ नहीं बताया था क्योंकि सर उसने मेरे ऊपर दबाव डाला था कि मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा। सर वहाँ पर जहाँ मैं रही थी बन स्टॉप पर सर, तो वहाँ पर भी कॉल आई थी मेरे पास फोन। बालिक है ना? बालिक सर मैं बालिक हूँ, और मेरे पास कॉल आई थी मतलब कोई पुलिस वाली आंटी आई थी, उनने बोला था बात कर। तो सर उसका मामा बोला था मेरे से कि तेरे घर वालों को मार दूंगा मैं, तू हमारे पक्ष में बयान दियो सर। उस दिन मैं बयान देने गई थी, उस दिन भी उसने सर मेरे पे दबाव डाला था, और जहाँ मैं बयान दे रही थी सर वहाँ भी वो सारे थे और यही बोल रहे थे कि तू अपने घर वालों को बचाना चाहती है तो मेरी तरफ बयान दियो सर। तो कितना टाइम से उसके आप टच में रही, कब से आप बात बात करते थे? सर थे शायद 2 साल सर, मुझे पता नहीं चला। लव जिहाद पे योगी सरकार एक बड़ा कानून बनाने की तैयारी, यानी कि लव जिहाद की एक बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं विराम लेने का नाम ले रही। कल बन्ना देवी में भी मामला देखने को मिला, अब इगलास का मामला आ गया, तो क्या सोच क्या है फिर इसमें? करनी सेना क्या करेगी? देखिए हम पूर्व में भी कह चुके हैं और अब भी हम कह रहे हैं, जो आरोपी पीड़िता द्वारा बताया गया उसको हम स्वयं अपने नेटवर्क के द्वारा 3 दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि अब हम पुलिस कार्रवाई का इंतजार करेंगे नहीं, हम स्वयं अपने हाथों से ऐसे जिहादियों को सजा देंगे और उसके लिए हम तैयार घूम रहे हैं। आज भी हमारे इगलास क्षेत्र में कई लोग लगे हुए हैं और उनको ढूंढ रहे हैं, वो जिस दिन हमें मिल जाएगा या तो उसको पुलिस ले जाएगी तो बच सकता है, अगर पुलिस नहीं ले गई हमारे हाथ चढ़ गया तो हम निस्संदेह उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पीढ़ियां उसकी और मुसलमानों की याद रखेंगी कि लव जिहाद भी कोई चीज हुआ करती थी। क्या करिएगा? जो भी करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन ऐसे आरोपियों को अब हम लोग नहीं बख्शेंगे, ये हमने सोच लिया। अभी भी आप कप्तान ऑफिस आए, एसएसपी एसपीआरए से मिले, किस तरीके का आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कार्रवाई का, शीघ्र अतिशीघ्र 1-2 दिन में कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस टीमें बना के उनको ढूंढा जाएगा, और अगर कार्रवाई नहीं होती और हमें मिल जाता है तो फिर हम अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। कहां करने वाला आरोपी? आरोपी भी इगलास क्षेत्र का बताया जाता है। जी देखिए ये तमाम करनी सेना के लोग थे, साथ साथ में पीड़िता मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर एक बड़ा योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी अलीगढ़ में है कि लव जिहादी घटना घटने का नाम नहीं ले रही है। समीर बनकर यानी कि एक कॉमन नाम लेकर इनको प्रेम जाल में फंसाया गया, पीड़िता को फंसाने के बाद में दहली ले गए, 8 दिन तक शोषण किया, जैसे तैसे बच के पीड़िता आई, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की मजबूरियां को देख के, यानी कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही थी कि ये परिवार के लोग मार देंगे, क्योंकि जिस गांव से यानी कि हाथरस माफ कीजिए इगलास क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं और वहाँ का जो इनका गाँव है वहाँ पर से 2 परिवार हैं, धमकी दी गई, धमकी देने के बाद कोर्ट के द्वारा इनके बयान भी उसके फेवर में देखिए, लेकिन अब पीड़िता खुद एसएसपी ऑफिस आई और न्याय की गुहार लगा रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी आखिर उसके पीड़ित को यानी कि पीड़िता को कब न्याय मिल पाता है, और जो आरोपी सलमान है उसकी गिरफ्तारी अलीगढ़ पुलिस आखिर कब तक कर पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।